हेलो गाइस, मैं हूं आशीष शुक्ला और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल आशीष डायरी में। और आज मैं आपको लेके आया हूं ये लौकुश आश्रम जो कि बिठूर में स्थित है। और आइए अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराता हूं आपको। ये है मनु मिश्रा और ये है अभिषेक। हाय हाय फ्रेंड। तो धूप बहुत लग रही है क्योंकि यहाँ पे धूप भी बहुत है और गर्मी तो पूछो ही ना, इतनी गर्मी है। चलिए आपको इंजॉय कराते हैं। पीछे देख सकते हैं यही आश्रम है वाल्मीकि जी का। आइए आपको ले चलते हैं अंदर। स्थान है जो राम भगवान का ये घोड़ा आप देख सकते हैं, उस जमाने में इस घोड़े को लव कुश ने बांध रखा था और जब हनुमान जी आए थे और छुड़वाने तो उनको भी बांध लिया था। आप देख सकते हैं, वो देखिए हनुमान जी बंधे हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये वाल्मीकि आश्रम के अंदर ये बहुत ही प्राचीन पेड़ है। ये उस जमाने का पेड़ है जब वाल्मीकि जी यहाँ पे तपस्या किया करते थे। आइए आपको इसको पूरी तरीके से दिखाते हैं। आप ये पीछे देख सकते हैं, ये कुआं है प्राचीन जो यहाँ पे सीता माता जब रहती थी तो वो यहाँ यहीं से पानी निकाला करती थी। आइए आपको दिखाते हैं। Thank you.
शायद ही आप देख पा रहे हो कि इसमें कुएं में पानी है कि नहीं है। ये देखिए, आइए, जो चमक रहा है नीचे, यही है पानी। ये पीछे देख सकते हैं, इसको कहते हैं स्वर्ग नसेनी। आइए आपको ले चलते हैं, सीता जी की रसोई ले चलते हैं आपको। ये पीछे हमारे फ्रेंड जो आ रहे हैं पीछे, ये आ चुके हैं। अब आपको ले चलते हैं सीता रसोई। ये है सीता रसोई, आइए आपको अंदर ले चलते हैं। ये हैं सीता माता, और ये आप देख सकते हैं उनके बर्तन जो पुराने जमाने में यूज करती थी। नीचे देख सकते हैं ये इनके बर्तन हैं, और ये सीता माता यहाँ पे विराजमान है। और भी आपको कुछ दिखाते हैं, ये पुराने जमाने के रखे हैं जो उस टाइम ये बना किया करते थे, और इसमें सामान रखा करते थे। और ये आप देख सकते हैं उस जमाने का घंटा हुआ करता था, जिसमें सिर्फ घंटा ही है, आप लोग देख पा रहे होंगे। बस इसमें और कुछ तो है नहीं। आइए आपको फिर बाहर ले चलते हैं। आइए आपको ले चलते हैं वाल्मीकि जी के मंदिर में। ये है वाल्मीकि जी, आप देख सकते होंगे इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसमें लिखा श्री वाल्मीकि ऋषि स्थापित सिद्ध, समझ में नहीं आ रहा, मैं बता दूं, कार्तिक एकादशी संवत 2020। समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, साफ नहीं दिख रहा। 2020 स्थापित देख सकते हैं, ये हमारे फ्रेंड है मनु जो हमारे साथ है, और ये अभिषेक। आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे शिव जी की लिंग भी स्थापित है यहाँ पे, और ये घंटियाँ भी टंगी हुई है। और ये भी आप देख सकते हैं, ये है आदि कवि रामायण चेते त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी ये हैं, और ये उन्हीं की फोटो है। Thank you.
ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये सीता कुंड है। आइए आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। ये है वन देवी कुटी का मंदिर, जो वाल्मीकि आश्रम के अंदर ही है। ये आप देख सकते हैं, ये दोस्तों आप देख सकते हैं पीछे एक और मंदिर है, इसमें लिखा है महर्षि वाल्मीकि जी। ये आप अंदर देख सकते हैं, ये वाल्मीकि आश्रम के अंदर ही है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वही ये बहुत ही पवित्र स्थान है। ये यहाँ पे सीता माता काफ़ी दिनों तक यहाँ पे रही थी, जो राम भगवान का गृह त्याग कर यहीं पे आके बस गई थी, जिसके बाद उन्होंने दो पुत्रों को जन्म दिया था, लव और कुश को, जहाँ को जहाँ उनका पालन पोषण यहीं पे हुआ था। आइए आपको दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं सीन बहुत ही अच्छा है। अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। Thank you.
भाइयों ये अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत काले हैं। हाँ। ये ना ये अभी कह रहे थे। अब आपको ले चलते हैं लोकुश की जन्मभूमि में, आइए चलते हैं। ये आप पीछे का सीन देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा नजारा, बहुत ही अच्छा है। और ये अभी कह रहे थे कि हम बहुत काले हैं, काला कोई नहीं होता यार। जन्मभूमि आप देख सकते हैं चारों तरफ। भाई आपको अंदर ले सकते हैं। सॉरी गाइस, हम आपको लोकुश जन्मभूमि के बारे में नहीं दिखा सके क्योंकि क्योंकि ये बिस्किट खाते हुए कैसे चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पंडित जी ने मना कर दिया था अंदर रिकॉर्ड करने से। इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब...